प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने राजधानी में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली की शुरुआत शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक तक निकाली गई। बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि इस बार बीएसपी 6 नहीं 60 जीते जीत कर सरकार बनाएगी। बीएसपी विधायक के कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल, भगवान सिंह ने कहा कि दल बदल विधायक में संशोधन होना चाहिए। वहीं बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने बताया कि इस बार बीएसपी ना बिकने वाले लोगों को ही प्रत्याशी बनाएगी। मीडिया हो सकता है मीडिया में कवरेज नहीं मिला, हमारे जिम्मेदार साथी लगातार बूथों पे जाके बूथ कमेटियां बना रहे हैं, सेक्टर कमेटियां बना रहे हैं, लगातार हम लोग फील्ड में हैं। और रही बात भागने की, तो अब की बार हम लोगों ने बिल्कुल फुल प्रूफ तैयारी की है। हम लोगों का लक्ष्य है इस बार कि 6 नहीं हम 60 सीट जीत कर आए और राजस्थान में अपनी सरकार बनाए, ये लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। 6 की बात करते हो, 6 तो आपकी पार्टी से दूसरी चले गए, तो उनको तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, न्याय व्यवस्था के बारे में आप लोग जानते हैं। हम लोग लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहल की है, मगर नहीं हो पाया। लेकिन अब हम लोग मांग करेंगे कि ये जो दल बदल विरोधी विधेयक है, इसमें संशोधन हो और जो भी विधायक जिस पार्टी से जीत कर आए, अगर उस पार्टी को छोड़ता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसकी सदस्यता समाप्त हो। आज बहुजन समाज पार्टी के हमारे तमाम सिपाही और बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेताओं ने आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरी ताकत के साथ में, पूरे जोश के साथ में आज सरकार के अत्याचारी सरकार के खिलाफ बिल्कुल फूका है और ये साफ संदेश दे दिया है कि हम अत्याचार नहीं सहेंगे। 2023 में बीएसपी की सरकार लेकर के आएंगे, अत्याचार, गुंडागर्दी, मवाली भवन जो भी है इस प्रदेश से खत्म करके रहेंगे। आप सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर 4.5 साल के अंदर किस तरह की हत्याएं की गई, कितने बलात्कार हुए, छोटी सी बच्ची है उसका बलात्कार हुआ और उसे टुकड़े टुकड़े काट दिए गए। वही कार्तिक भिल की बात करें, एक नौजवान युवा था, बाबा साहब को मानने वाला था, उसका भी मर्डर कर दिया गया।